बहुत लोग मिलते हैं ऐसे शब्द में भाई कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप भी कुछ मत बोलो, आप बस करके दिखाऊंगा कि भाई जब हम करेंगे ना, जब हमारे पास फॉर्च्यूनर आ जाएगी, हमारे पास कोई बड़ी गाड़ी आ जाएगी, उस दिन बात करेंगे कि भाई हमने ये उठाया। कुणाल भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ भाई, बहुत बढ़िया हूँ भाई। और स्वागत है आपका मेरे पहले पॉडकास्ट में। मैंने कहा यार मैं कुणाल भाई के साथ ही शूट करूंगा अपना पहला पॉडकास्ट, क्योंकि मेरे से पहले यूट्यूब पे आप आए हुए हैं, आपने अंत की मचा रखी है, एकदम तबाही मचा रखी है। अभी तो भाई कुछ ही नहीं, अभी तो भाई स्ट्रगल चल रहा है लाइफ का। और भाई सिद्धार्थ थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत थैंक यू सो मच भाई मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि भाई मैंने सोचा नहीं था कि मतलब मैं लोगों के इंटरव्यू लेता था, तो आज मेरे साथ पहली बार है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मतलब कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है। कोई बात नहीं भाई, भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को भाई। भाई देखो मैं आपको बता दूं इस पॉडकास्ट के बारे में कि इसमें हम बातें करेंगे, जैसे आप यूट्यूब आप काफी टाइम से देख रहे हो, आप उसको समझ चुके हो, तो आज हम केवल यही डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में कि आपकी यूट्यूब जर्नी कैसे रही, यूट्यूब से पहले आपकी जर्नी क्या थी, यूट्यूब पर आप किस तरीके से आए, क्या आपने ऐसा सोचा या क्या मोटिवेशन आपको मिली, दिमाग में वो क्या चीज ट्रिगर हुई कि जिससे आप यूट्यूब पर आ गए और आपने सोचा कि मेरे को कार्स बाइक्स और इन सारी चीजों के ऊपर रिव्यू करना है, तो उसी जर्नी को आज हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो मैं पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आप बस थोड़ी सी अपनी पहले लाइफ बता दो, क्योंकि मैं तो जानता हूँ, हमारे व्यूअर्स नहीं जानते हैं, क्योंकि हम तो भाई साथ में पढ़े हैं क्लास में, मैंने आपको भी देखा है कि पहले कुछ और पर्सनैलिटी थी, लेकिन आज अगर कुणाल भारद्वाज को देखेंगे तो वो कुछ और ही पर्सनैलिटी है। तो आप मेरे व्यूअर्स को बता दो कि पहले से आपकी जर्नी कैसे थी, पहले आप क्या करते थे, स्कूल में एकेडमिक्स कैसे थे, ताकि एक लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ ड्राइव विद कुणाल का। ठीक है भाई, तो आपने पूछा कि पहले लाइफ कैसी थी, मतलब मैं कैसा था, मैं अपने आपको मैंने चेंज कैसे किया, आप ये पूछना। बिल्कुल, तो भाई पहले मतलब अगर आप देखो, आप जैसे जानते हो मुझे भाई, पहले मैं थोड़ा बदतमीज टाइप का इंसान था, मतलब थोड़ा बदतमीज कह सकते हो, थोड़ा लड़ाकू कह सकते हो, मतलब मेरा अलग ही दुनिया थी। मैं थोड़ा ऐसा होता था स्कूल में, कहीं झगड़ा किसी और का हो रहा है और नाम उसमें मेरा और मेरे दोस्त का, आपको पता ही है, हमारा नाम रहता था, हम दोनों का नाम रहता था, 12वीं तक यही सीन था। तो सीरियस कब हुआ लाइफ को लेकर, तो भाई एक ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ, मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, ये लगभग 2017 की बात है, मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे उस टाइम पर। तो भाई जब मेरी लाइफ ने एकदम जैसे बोलते हैं ना ऊपर नीचे, मतलब जैसे आसमान नीचे और भाई धरती ऊपर, ये वाला हिसाब हो गया था, रातों रात मेरी लाइफ चेंज हो गई थी उनके जाने के बाद। तो हालांकि बोर्ड्स के एग्जाम थे बट मैं हो गया पास कैसे भी करके, मैंने कहा भाई निकाल रहे हैं, तो मैं उसमें पास हो गया था। फिर मैं यहाँ पे गाजियाबाद में जहाँ इस टाइम बैठे हैं, यहाँ हम शिफ्ट हो गए थे अपनी फैमिली के साथ, फैमिली मैं हूँ, मेरी मम्मी है और मेरी छोटी बहन है, तो हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे से लगा था कि भाई थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा, लड़का थोड़ा सुधर जाएगा, घर वालों का यही था कि भाई थोड़ा चेंजेस, मतलब लाइफ किसकी थोड़ी बदल जाएगी, थोड़ा सा हवा पानी बदलेगा तो लड़का बदल जाएगा, ये था। और वही हुआ, जब मैं यहाँ आया तो भाई मैं थोड़ा मतलब बोल सकते अकेलापन मैंने महसूस किया, क्योंकि मेरे दोस्त चले गए वहाँ पर, मेरठ के जो दोस्त थे मेरे, कुछ खास रिलेटिव्स थे, मेरा कजन एक मेरा भाई है, उससे मैं दूर हो गया, तो मुझे यहाँ आके बहुत अकेलापन फील हो गया, पापा मेरे चले गए थे, तो यहाँ पर आके भाई मैं मतलब आप कह सकते हो डिप्रेशन में मैं चला गया था। और मैं आपको एक फोटो अपनी सेंड करूंगा भाई, दिखा देना, मेरा 15 किलो वेट लॉस हो गया था उस टाइम पर। और ये जो पार्क में हम बैठे हैं भाई, ये सामने मतलब पार्क के बाहर, इस पार्क में मैं योगा वगैरह करता था, तो उससे मैंने रिकवर करा। अच्छा, अब ये थी भाई मेरी जर्नी चेंज होने की। उसके बाद जब मैं रिकवर होके आया तो मैं पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, मतलब मेडिटेशन से बोल लो आप या कुछ भी बोल लो, मतलब मैं काफी ज्यादा मैंने आपको अपने आप को चेंज करा। मैंने कहा भाई ये लाइफ बेकार है, अपने आप को चेंज करो, इन चीजों से आगे निकलो। तो YouTube की भाई बात ऐसे थी कि YouTube का सीन ऐसे हुआ कि भाई मैं ना गाड़ियों का और बाइकों का शौक बचपन से ही मेरे को है, मतलब शौक क्या, मतलब मेरे को देख के लगता था कि भाई ये चीज़ें मेरे पास भी होनी चाहिए, मतलब गाड़ियाँ चलाना बाइक चलाना मेरे बचपन से क्रेज था। अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आता था ना तो भाई मैं उसकी बाइक स्कूटी लेके निकल जाता था, मैंने कहा भाई चला के लाऊंगा। तो मेरा ये था भाई, तो इस तरीके से मेरे को थोड़ा शौक था। बाकी YouTube का मेरे को देखो आप बोल सकते हो कुछ यूट्यूबर्स को देख के मैं इंस्पायर हुआ, क्योंकि मैं भी ज़रा टाइम से नहीं हूँ, मेरे को लगभग एक डेढ़ साल हुआ होगा यूट्यूब पर आए हुए, तो अभी बहुत छोटा सा चैनल है मेरा, बट हाँ कि चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं दिन पर दिन, मैं कोशिश कर रहा हूँ नई नई चीज़ें लाने की। तो ऐसे भाई स्टार्ट हुई मेरी यूट्यूब जर्नी, मैंने सोचा भाई मैं देखता रहा वीडियोज़, तो मैंने कहा यार ये मैं भी कर सकता हूँ।
हाँ हालांकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था पहले, मेरे को भाई मतलब कैमरा तो दूर की बात है भाई, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था, जो मेरे अपने दोस्त थे बस उन्हीं में ही था, मेरी दुनिया वही थी, मैं नए दोस्त नहीं बना पाता था, मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था, और खासकर भाई लड़कियाँ, लड़कियों से तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोल पाता था, मतलब मेरे मुझे याद नहीं है कि मैं 11th 12th में या किसी में मैं किसी लड़की से बैठा हूँ बात कर रहा हूँ, मैं भाई लड़कों में ही रहता था, बैक बेंचर जिसे बोलते हैं प्रॉपर वाले, वो करना, टीचर्स को थोड़ा बहुत भाई परेशान करना, बच्चों को हंसाना, ये काम था मेरा। तो फिर हालांकि चीज़ें बदल चुकी हैं, फिर मैंने कॉलेज अपना यहीं पे गाजियाबाद में पूरा किया, BCA मैंने की हुई है, BCA के बाद मैंने मेरे को मतलब बिजनेस भी मैंने किया था, हालांकि बहुत चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो भाई काफ़ी कुछ मैंने फेस करा है। तो उसके बाद भाई यूट्यूब मेरा इस तरीके से स्टार्ट हुआ, मैंने सोचा मैं भी कर सकता हूँ, तो पहली वीडियो मेरी ही, मेरे मतलब घर में ही कार है डैटसन गो, उससे मैंने स्टार्ट की थी, और 180 के आसपास वीडियो मैं अभी तक बना चुका हूँ, तो भाई ये थी मेरी यूट्यूब की जर्नी। वाह, काफी अच्छा लगा ये YouTube वाला सुन के। तो YouTube में मुझे आप एक चीज बताओ, जैसे और भी क्रिएटर्स हैं जो अभी अभी स्टार्ट जिन्होंने करा है YouTube पे बनाना, उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? कि ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग, यार मेरे व्यूज नहीं आ रहे, यार वीडियो पता नहीं कैसे बनेगी, मैं क्या बोलूंगा, वो ना सोच सोचने में ही रह जाते हैं, कर नहीं पाते। तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि आपने भी एक पॉइंट पे आके सोचा होगा कि चल यार स्टार्ट तो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो वो वाला फेस क्या था, वो थोड़ा सा बता दो। और लोगों को, आप क्रिएटर्स जो नए नए आ रहे हैं, उनको आप क्या समझाना चाहते हो कि वो किस चीज से दूर रहें और किस चीज पे ज्यादा फोकस करें? अच्छा तो चलो पहले बात करते हैं कि भाई मतलब मैं क्रिएटर्स के लिए, जो नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं अभी, तो खैर मैं भी नया हूँ अभी, तो कुछ भी नहीं है भाई, 10K भी नहीं हुए अभी मेरे, बट हाँ थोड़ा पुराना मैं हो गया हूँ, आप बोल सकते हो 1 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो गया है। अच्छा तो नए क्रिएटर से भाई मैं ये बोलना चाहूँगा कि मतलब आप थोड़ा कोशिश करो कि क्वालिटी कंटेंट पर थोड़ा ध्यान दो, कि भाई चीज़ें मतलब मैंने भी गलती की है, मैं क्वालिटी कंटेंट नहीं करता था, मैं क्या करता था जो भी आ रहा है भाई डाल रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ मुझे लगता है कि गलत है। अगर थोड़ा क्वालिटी पर ध्यान दोगे ना तो कम वीडियो के अंदर आप अच्छे सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो, मेरा ये मानना है, ठीक है, जो तू भी मुझे रिकमेंड करता था वही सेम चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात भाई क्या ना करें, और मतलब पहले ये बात करते हैं कि भाई अपने अंदर जैसे बोलते हैं ना मतलब अपने आप को मोटिवेट कैसे करें वीडियोस बनाने के लिए, मतलब जैसे बोल सकते हैं भाई गट्स कैसे लाएं, बिल्कुल, वो डर कैसे डर खत्म कैसे करें? खत्म करें, तो भाई डर ऐसे खत्म करो, पहले उस इंसान के साथ आप वीडियो बनाओ जो लगता है कि भाई ये मेरा दोस्त है, ठीक है, इसके सामने मैं गलत भी बोलूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको बेइज्जती नहीं होगी, उस इंसान के साथ आप पहले अपना शूट करो, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कॉन्फिडेंस बात वहीं करने से का। बिल्ड होगा। सबसे पहले मैंने देखो मेरी वीडियो होती है कार्स को लेकर, ओनर से बात करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैंने अपनी ही गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू दिया था, अपनी मतलब मेरे परिवार में गाड़ी है डैटसन गो जो मैं बता रहा हूँ, उससे मैंने पहला वीडियो मैंने वो बनाई थी। दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी, मेरे एक दोस्त है भानु नाम का भाई, हमारा अरे दोस्त भानु तो भानु के साथ मैंने वीडियो बनाई थी भाई, उसने उस टाइम i10 Neos ली थी, तो सबसे पहले मैंने मतलब एक ओनर उसी को ही मैंने अपनी वीडियो में लाया था, तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, मतलब आप यकीन मानो भाई मैं कैमरा लेके ना फंबल कर रहा था बहुत ज़्यादा, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मतलब उन अपने दोस्तों के साथ ही, तो मैंने उनसे बोला कि भाई तुम थोड़ा सा, मैंने उससे बात करके जब मैं इंट्रो लेने वाला था, तो इंट्रो मतलब उस बात करने से पहले जब उसका मैं इंट्रो लेने वाला था, तो मैंने उसका इंट्रो अपना इंट्रो लिया, उसको मैंने बोल दिया भाई अभी मैं अपने से बात कर रहा हूँ तो तू भाई उधर देख, तू मेरी तरफ मत देख, तो उसने मेरी तरफ ना देखा, मेरा मेरा वो और मेरा कजन था वो उधर मुकरने लगे, मैं वीडियो वीडियो बना बना के फिर मैंने उसको बुला लिया, मतलब ऐसे करके मैंने वीडियो वो कंप्लीट करी, वीडियो मैंने डाली, उस वीडियो पे भाई व्यूज आ गए अच्छे खासे, क्योंकि पहली वीडियो मेरी वही थी जो अच्छे व्यूज में मतलब उस टाइम पर डालते ही 10-1 हज़ार व्यूज उसमें हो गए थे, क्या बात है। तो वो मैंने भाई वो मेरा बोल सकते, मैंने उस दिन सोचा था भाई अब पीछे नहीं मुड़ के देखना, अब ये मुझे करना है, ठीक है, और भाई मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे चल रही हैं भाई। और एक चीज भाई मैं रिकमेंड करना चाहूंगा क्रिएटर्स को, अगर भाई आपके पास पैसा है ना, घर से सपोर्ट है, तो भाई आप पूरा टाइम यूट्यूब को दो, दिन रात दो यूट्यूब को, बट अगर आपके पास पैसा कम है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, जैसे कि तेरे पास और मेरे पास है, बिल्कुल, तो भाई एक यूट्यूब को ना बोल सकते हो आप प्राइमरी मत रखो, उसको सेकेंडरी रख के चलो कि हाँ भाई ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मेन चीज जैसे जॉब हो गया या कुछ बिजनेस हो गया, मतलब कुछ भी आप अर्निंग सोर्स आपका, जैसे आप भाई चाय भी बेच रहे हो, अब सपोज करो आप एक छोले कुलचे की रेडी पे लगा रहे हो, यूट्यूब आप करो
मैं मना नहीं कर रहा आप करो, बट उसको प्राइमरी सोर्स मत रखो कि भाई ये प्राइमरी यही मुझे रखना है। अगर आपके पास मतलब सपोर्ट नहीं है, आप ओनली अर्निंग पर्सन हो अपनी फैमिली के, तो भाई यही मेरी रिकमेंडेशन है और यही मेरी एडवाइस है भाई। कितना कंसिस्टेंस रहना पड़ता है वीडियोस बनाने में? कंसिस्टेंसी तो भाई चाहिए, ठीक है, क्योंकि YouTube, जहां तक मुझे लगता है भाई, अगर आप वीडियो डालते रहोगे ना तो YouTube भी प्रमोट करता रहेगा उसको। अगर अच्छा। जब आप डालनी बंद कर दोगे, अगर आप छोटे क्रिएटर हो, तो YouTube भाई उसे मतलब इतना फैलाएगा नहीं। अगर आपका बड़ा चैनल हो गया, सपोज करो आप 10 लाख आप पर पहुंच गए, तब आप हफ्ते में भी एक डालोगे ना, वो भी चल जाएगी, क्योंकि बंदे आपका वेट करेंगे। बिल्कुल, YouTube चाहे फैलाए ना फैलाए, ठीक है, मतलब नए लोग बंदों को आपको दिखा ना दिखाए, पुराने तो देखेंगे, जैसे ही बिल्कुल पुराने वो देखेंगे, वो नए बंदों को अपने आप दिखाने शुरू कर देगा। सही बात है। तो जब आप बड़े बड़े क्रिएटर्स आपने देखे होंगे, तो हो सकता भाई मैं गलत हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बड़े बड़े क्रिएटर्स भाई जैसे भुवन बाम हो गया, करीम नाटी हो गया, ये भाई महीनों में, हफ्तों में, हफ्ते तो बहुत कह दिया, महीने, 2 महीने, 6 महीने वीडियो डालता है, जब भी उनकी वीडियो चलती है, क्योंकि भाई बंदे इंतजार करते हैं, क्योंकि बहुत बिल्कुल, बड़ा चैनल है, एक फैन बेस बन चुका है। फैन बेस बन गया है, हाँ बड़े स्टार हो गए हैं भाई, वो चीज तो है। तो उनका तो, उनसे आप नहीं कर सकते भाई, उनका तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि लोग उनका वेट कर रहे हैं। बिल्कुल और स्टार्टिंग में भाई आपको चीजें दिखानी, स्टार्टिंग में लोग आपको देखने कम आएंगे, आपके कंटेंट को देखने आएंगे जो आप बना रहे हो। सपोज करो मैं हूँ, अभी मेरे को देखने नहीं आते, अभी मेरी गाड़ी जो मैं दिखा रहा हूँ, वो जो जिस देखने ओनर आ को मैं रहे ला रहा हूँ, जिस गाड़ी से मैं लेके आ रहा हूँ उन्हें, वो हैं। देखने आ रहे हैं। अभी मैं जिस दिन मेरे को देखने आ गए, मैं जो भी बनाऊंगा, हफ्ते में एक बनाऊंगा, चाहे कैसे बनाऊंगा भाई, इस पर व्यूज पक्का ही आने वाले हैं। बिल्कुल। तो यही है भाई। अच्छा, और मैं ये चीज़ एक पूछना चाह रहा था कि जब आप YouTube पे और वीडियो अपलोड करने के बाद और भी जो प्रोसीजर रहते हैं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ YouTube से कि यार अगर ये भी कर सकता हूँ तो ये ऐसा होगा, वीडियो अच्छी चलेगी? मतलब कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अगर आप हमारे नए क्रिएटर्स को बता दो कि क्या क्या यूज़ करना चाहिए भाई उन्हें। वैसे तो ना आजकल सब स्मार्ट हो गए हैं, सबको पता है भाई क्या करना लाइफ में, मतलब कैसे यूट्यूब चलाना है, बहुत समझदार हो गए लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, अगर आप, मैं भाई ये चीज मतलब बोलना नहीं चाह रहा बट बोलूंगा, अगर आप यूट्यूब पर देखो ना, बहुत ज्यादा व्लॉग्स में वल्गैरिटी फैल चुकी है। लोग क्या बना रहे हैं भाई, थंबनेल लगेंगे उल्टा सीधा, अपनी हाँ वाइफ के साथ बना रहे हैं तो उल्टा सीधा थंबनेल लगा रहे हैं, तो वो हाँ वीडियो वायरल हो रही है। बिल्कुल। तो पहला चीज जिससे आप समझ सकते हो कि भाई आई कैची थंबनेल होना चाहिए, मतलब लोग क्लिक मारना चाहिए कि भाई इसमें है क्या, पहली चीज। दूसरी चीज भाई ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग चीजें उठा लो, ट्रेंडिंग गाड़ी उठा लो, ट्रेंडिंग बाइक उठा लो भाई, उससे व्यूज आने आने हैं। और पहला क्लिक मारा थंबनेल कैची, दूसरा भाई ऑडियंस अटेंशन, मतलब कि वो रुक गया आपकी वीडियो में, ठीक है, तो भाई वो वीडियो वायरल होनी होनी है। अच्छा, मतलब आप चाह रहे हो कि स्टार्टिंग के अगर 5 मिनट का वीडियो है तो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट इंगेजिंग होने हाँ, चाहिए। 2-3 मिनट ज्यादा हो गया, मतलब अगर शुरू के 30-40 सेकंड में बंदा रुक गया, एक दो बंदे रुक गए, तो वो यूट्यूब उसको प्रमोट करना शुरू कर देगा, उसका एल्गोरिथम अच्छा आगे फेंकना शुरू कर देगा नए नए लोगों को। ये अच्छा है भाई मेरा एक्सपीरियंस, तो यही कहता है। अभी आगे और क्या यूट्यूब के में आपने सोचा है कि आप अपने चैनल में ये सारी चीज़ें और ऐड करेंगे, आगे के और क्या क्या प्लान्स हैं? प्लान भाई बहुत कुछ है अभी तो, मतलब मेरे को अभी तो फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है भाई, अभी घर भी चलाना है भाई, आपको पता है सही फादर साहब बात है है। नहीं, घर भी देखना, तो अभी मैं आईटी लाइन में जॉब कर रहा हूँ, सैटरडे संडे मेरे को फ्री मिलता है, तो उस टाइम मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ, जैसा कि संडे आपके साथ वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। बाकी वीडियो का भाई ये सीन है कि मैं ना बिजनेस सोचा है मैंने इसी लाइन में, कि मैं बिजनेस करूँ, ठीक है, बिजनेस बहुत कुछ चल रहे हैं दिमाग में, हो सकता है भाई लोग हंसे भी सुन के, ऐसे ऐसे बिजनेस चल रहे थे। मैं सोचता हूँ कि भाई जैसे ईवी आजकल चल रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही है, नई 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 कंपनी आ रही है, तो इसका शोरूम वोरूम समझ रहे हो कि भाई इसका शोरूम मैं खोल सकूँ, तो ये बिजनेस हो जाएगा भाई, क्योंकि यूट्यूब पे भी डिपेंड रह सकते हैं ना, कल को सही अगर बात है। यूट्यूब हाँ मतलब हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया यूट्यूब नहीं चलेगा, तो भाई क्या करोगे, सही बात है, कुछ भी तो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है भाई। नया प्लेटफॉर्म आएगा, उसको आने में टाइम लगेगा, स्टेब्लिश होगा, बहुत साल लग जाएंगे उसको, तो वो इतना मतलब इंडिया में सक्सेसफुल पता नहीं रहेगा भी नहीं रहेगा। तो भाई मैं फ्यूचर में जब मेरी अर्निंग अच्छी हो जाएगी, तो मैं जॉब से क्विट करके अपने एक बिजनेस सेटअप करूंगा, कोई भी एक बिजनेस करूंगा, जो अगर मैं शोरूम चाह रहा हूँ कोई शोरूम खोलूँ, सेकेंड हैंड कार का भाई बहुत तगड़ी मार्केट है और रहेगी हमेशा, सेकेंड हैंड बिल्कुल। कार का मैं सोच रहा हूँ, बहुत चीजें हैं भाई, कार डिटेलिंग का भी मैं सोचता हूँ कभी कभी, बट उसका थोड़ा लगता है कि भाई बंदे चाहिए उसमें, दूसरों पर डिपेंड हो आप। तो मैं बोल रहा था शोरूम वगैरह अगर मैं फ्यूचर में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, तो भाई मैं किसी कार का इलेक्ट्रिक, मतलब जैसे कार तो भाई बहुत ज्यादा इसमें चाहिए, स्कूटी वगैरह का या बाइक वगैरह का मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि भाई मैंने कुछ टाइम एज अ सेल्स पर्सन मैंने काम भी किया है। अच्छा, हाँ क्या मैंने एक्सपीरियंस होता है आपको? भाई, अगर मेरी आप वर्क हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में। सबसे पहले जब मैं 12th से मैं यहाँ पे आया, जब मैं 12th से गाजियाबाद शिफ्ट हुआ, तो जैसे मैंने BCA में एडमिशन ले लिया था, तो मेरे को यह था कि भाई मेरे को ना बिजनेस करना है, जॉब नहीं करनी,
तो बिजनेस का मैंने भाई, मेरा जेम स्टोन्स का मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ऑनलाइन में सेल करता था। मेरे मामा हैं उन, वो टेस्टिंग करते थे जेम स्टोन्स की, उनका ऑनलाइन भी काम था, तो उनसे मैंने सीखा। और भाई मैंने अपना ईबे डॉट इन पे मैंने स्टार्ट किया, बिजनेस अच्छा। चल गया। उस टाइम मेरी उम्र 18 साल थी भाई, मैं जीएसटी वीएसटी भी पे करता था प्रॉपर, 18, हाँ 18 साढ़े 18 का था मैं उस टाइम, जीएसटी वगैरह आ गई थी शायद, या 19 का हूंगा मैं, इतनी एज थी मेरी। तो जीएसटी में भरता था, नील की भी जाती थी मेरी, कभी कभी नहीं बिका तो नील की चली गई, तो इस टाइप से मैं करता था। तो बिजनेस भाई मेरा चला, ईबे पर चल गया, बट कुछ सीन ऐसा हुआ भाई कि वो ईबे बंद हो गया। ईबे बंद होते ही भाई मेरा काम पिट गया। अमेजोन पे मैंने खोला और फ्लिपकार्ट पे मैंने खोला, वो नहीं चला। फिर इन दी एंड भाई मुझे उसे क्विट करना पड़ा। तो पहले तो मैंने ये करा भाई, बिजनेस करा, नहीं चला। दूसरा फिर यहाँ पर मेरे एक रिलेटिव है, उनका भी बिजनेस था, मैंने उनके साथ काम किया, बट कुछ आप बोल सकते हो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे वहां से क्विट करना पड़ा। ठीक है, वो भी वहां भी मैंने भाई अपने 1-1.5 साल 2 साल खराब करे। फिर भाई मैं आया गया, इस दौरान मैंने अपना YouTube स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, YouTube मैंने कर दिया था। अब भाई YouTube उस टाइम पर मतलब आप कह सकते हो कि भाई मैं 1-2 वीडियो डालता था, वो भी वॉइस ओवर करके। नई गाड़ी आई है उसकी वीडियो उठा ली, वॉइस ओवर कर दिया, बस ऐसे 2-3 वीडियो मैंने डाल चुका था। तो भाई YouTube का ऐसा कुछ था नहीं कि भाई बहुत तगड़ी इनकम मुझे करेगा, मुझे पहले बता था कि भाई बहुत टाइम लगने वाला है YouTube में, क्योंकि बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत लोग हैं भाई, बहुत क्रिएटर्स हैं इस लाइन बिल्कुल में भी जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और भाई कुछ नहीं पता कौन कब उठने वाला है। सही बात है। तो मैं ये बता रहा था आपको अपनी वर्क हिस्ट्री में। तो भाई मैं अब मैं आ गया भाई अपने जॉब के लिए कि भाई मुझे जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है। हालांकि बिजनेस के बाद घर वाले बोले कि भाई सरकारी नौकरी देख लो, क्योंकि मिडिल क्लास भाई हर कोई चाहता है सही हमारा बात है। बच्चा सरकारी नौकर बन जाए, हाँ चाहे वो महीने के 10,000 कमाए, चपरासी बन जाए, लेकिन सरकारी नौकर बन जाए। तो भाई मैंने कोशिश करी भाई, अपने को लगा, कोचिंग वोचिंग गया, अपने को समझ गया था भाई ये अपने से नहीं होने वाला, सरकारी अपने बस की नहीं है, ऊपर से जनरल कैटेगरी है तो हाँ भाई ये नहीं होगा। तो फिर प्राइवेट में मैंने ट्राई करा भाई, प्राइवेट में मैंने बहुत जगह, मैंने कॉल सेंटर में जॉब करी 6-7 महीने, और उसके बाद मैंने सेल्स में जॉब करी है। मैंने गाड़ियों के शोरूम मारुति में मैंने 2 महीने काम किया था एज अ सेल्स पर्सन मारुति में। तो यहीं पे हमारे पास में ही है, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा थी, और अच्छा वो लोग मतलब अगर मैं वहां होता तो मैं फिर बोलते ना कि मैं धक्के ही खाते रहता भाई, वहाँ पैसे हाँ कभी बढ़ते नहीं, अच्छा वही हालत थी वहाँ। वहाँ सीनियर सीनियर बंदा 15-15 हज़ार में काम कर रहा है सेल्स का, मतलब ये हालत थी। तो मैंने वहां अच्छा भी मैंने काम किया, तो वहां पे मैंने सीखा कि भाई अपना शोरूम भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, बस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपको और भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो अगर यूट्यूब भगवान ने चाहा यूट्यूब चल गया, तो ऐसे ही मैंने सोचा कि भाई मैं कर सकता हूँ वो चीज़। तो उसके बाद भाई अब मैं आईटी में हूँ, तो आईटी में मेरी जैसे बीसीए पूरी हुई तो कोडिंग वगैरह थोड़ी सी बहुत आती थी मेरे को, बाकी मैंने उस पर काम करा। अभी मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मेरा बोल सकते हो इनिशियल लेवल ही है। अभी मैं यूट्यूब पे भी इनिशियल पे हूँ और जॉब पे भी इनिशियल पे हूँ, ये आप बोल सकते हो। ओके अच्छा, अपने ही चैनल की एक सबसे फेवरेट वीडियो आपकी कौन सी है? अच्छा फेवरेट वीडियो, सबसे फेवरेट की यार ये वीडियो ना, अच्छा मतलब बहुत मस्त लगी मुझे ये वीडियो बनाने में, मजा आया और यही वीडियो सबसे बढ़िया अच्छा देखो, एक यूट्यूबर की फेवरेट वीडियो कौन सी हो सकती है जिसपे व्यूज है, ज्यादा है? व्यूज ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा मेरे व्यूज आए थे, एक वीडियो थी भाई मैं बड़ी दोपहरी में बनाने गया था उस वीडियो को, मतलब 2:30 बज रहे थे और सिर पर धूप थी बहुत गर्मियों का टाइम था। बहुत सड़ी गर्मी, जैसे बोलते हैं भाई, अच्छा मैं बाइक पे गया था। अब तो चलो भाई गाड़ी वाड़ी भगवान की दुआ से हो गई है भाई, गाड़ी से चले जाते हैं। उस टाइम भाई बाइक थी और MI का फोन था, वो 10-11 हज़ार रुपये वाला, अच्छा उससे मैं शूट करता था। तो यहीं पे ही है भाई, अगर आप इधर से थोड़ा जाओगे पीछे गोविंदपुरम अच्छा है, पता होगा जो भाई गाजियाबाद में रहते होंगे। गोविंदपुरम में एक हमारे मतलब मेरे जो एक दोस्त हैं, मतलब दोस्त समझ लो, बड़े भाई समझ लो, मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं लेकिन क्लोज है काफी मेरे से। तो उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने ली थी भाई i10 की जो आती है तुम्हारी ऑरा, ऑरा CNG में उस टाइम आई थी और भाई काफी डिमांड में थी। अच्छा मेरे को पता नहीं था कि भाई इतनी ज्यादा डिमांड है। उस टाइम मेरे भाई 700-800 सब्सक्राइबर थे, मैंने भाई वो वीडियो डाल दी। मेरा मन नहीं था यार, धूप हो रही है, मैंने अपने मन को मनाया, मैंने कहा नहीं यार जाना है, क्योंकि भाई हमें नहीं पता ना सामने क्या हो सकता है क्या सही हो। बात है। भाई वही भाई बोल रहे थे यार धूप हो रही है, मैंने कहा भैया प्लीज यार चल लो, मैंने कहा भाई कंटेंट नहीं है, मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट करी, आज ही मैं रिक्वेस्ट ही करता हूँ क्योंकि भाई हमें उनसे काम निकालना सही है। बात ठीक है। है, तो भाई आप मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि भाई आप बनाना है बनाओ, नहीं बनाना हाँ बनाओ, हाँ आपको हाँ इंसिस्ट करना ही पड़ेगा सही बात मेरे, है। अगर मेरे जैसे कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो। तो भाई मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, उन्हें भी लगा यार बंदा इतना बोल रहा है, तो उन्होंने कहा भाई छाव में कहीं लगा ले। तो छाव में लगा के भाई वो मैंने वीडियो उनकी शूट करी। तो जैसी भाई मैंने डाली ना वो वीडियो, पहले तो मेरे डालते ही मतलब 10-20 व्यूज पाके वो एरो डाउन आता है उसमें, हाँ आपने देखा होगा स्टूडियो में एरो डाउन दिखाने लगा। हाँ ठीक है, फिर भाई मैं रात को सो गया, जैसे ही मैं सुबह उठा भाई उसमें 1,000 व्यूज और एरो उसके सब सारे अप थे, ऑडियंस इंटेंशन वगैरह सब अप। रात रात में भाई वो मतलब जैसे लोगों ने देखी वेगी हाँ भाई वो उड़ गई।
तो भाई वो वीडियो मेरी सबसे फेवरेट वीडियो अभी तक की है, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा व्यूज ही उसी पे हैं। और उसका मेरे को मतलब जैसे बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेड थी भाई, मेरे को मतलब यकीन नहीं था कि इस वीडियो पे इतने व्यूज आ सकते हैं। तो भाई वो वीडियो मेरी चली थी और आज तक की मेरी फेवरेट वीडियो वो है, क्योंकि उससे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। अच्छा, उसी हाँ, वीडियो की उसी वजह एक ही से। वीडियो से मेरे भाई वो घंटे जो 4,000 वो चार्ज होते हैं वो सब उनने पूरे कर दिए उस वीडियो ने, अकेली वीडियो ने। वाह, तो उससे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था भाई, 1,000 सब्सक्राइबर भी उसी ने मेरे पूरे करे थे। क्या बात है, मतलब वो एकदम अचीवमेंट वाली वीडियो वो है। पहली वीडियो थी जो मतलब इतनी अच्छी वायरल हुई थी, क्योंकि पहले भी इससे पहले भी हुई थी वो 10,000 20,000 पाके उनकी रीच चली गई थी। अच्छा, बट ये वाली भाई मेरी मतलब अभी 1,70,000 के शायद आसपास होंगे, मुझे कंफर्म नहीं पता, इतने हो गए होंगे, बट अभी भी उसमें व्यूज आ जाते हैं भाई अभी तक भी, वाह। 1 साल से ज्यादा हो गया। तो वो वीडियो भाई मेरी फेवरेट थी। अच्छा ये बताओ मुझे, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा एक फॉर्च्यूनर की रील डाली थी, हाँ वो काफी ज्यादा वायरल आइडिया हो था गई इतने थी। व्यूज आ जाएंगे? 1 मिलियन? नहीं उस पे पांच? भाई 1.6 मिलियन व्यूज हैं, इंस्टा पे शॉर्ट जो डाला था मैंने। तो भाई उस पे आइडिया नहीं था यार इतने आ जाएंगे, क्योंकि मैंने ना मतलब एक आर्टिकल पढ़ा था भाई, टू बी ऑनेस्ट मैंने मतलब न्यूज में मतलब मैं थोड़ा पढ़ता रहता हूँ गाड़ी वगैरह के आर्टिकल वगैरह पढ़ता रहता हूँ। तो एक मैंने आर्टिकल पढ़ा, उससे मुझे पता चला भाई फॉर्च्यूनर पे इतना सारा टैक्स है। तो अच्छा। भाई मेरे को यार बहुत मतलब बुरा लगा यार, मैं कहा भाई यार इतना टैक्स यार, मतलब गाड़ी की कॉस्ट कितनी आ रही है, आप टैक्स इतना ज्यादा ले रहे हो। हालांकि मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ भाई, मैं मुझे पसंद है, आप बोल सकते हो मुझे पसंद है अपनी गवर्नमेंट जो करंट की है, मैं ऐसे एंटी नहीं हूँ। बट लोगों ने मुझे बना दिया उस वीडियो के बाद, क्योंकि मैंने अच्छा। उसमें थोड़ा सच बोल दिया कि भाई टैक्स इतना ज्यादा लेते हैं। हाँ हालांकि टैक्स जा रहा है तो डेवलपमेंट भी हो रहा है, यहाँ भी देखो भाई हाँ डेवलपमेंट कितना हो रहा है, यहाँ सही पे बात बी है, एच सीज बन रही है, यहाँ पे जी डी की वो बिल्कुल। बन रही है। तो ठीक है, बट थोड़ा सा अगर टैक्स कम हो जाए तो भाई हाँ जो कार लवर है, जो हाँ फॉर्च्यूनर लवर है, वो हाँ भाई कम पैसों में ले सकते हैं ना सही उसको, बात भाई है, 18 लाख के आसपास का उसमें टैक्स जा रहा है। बाप रे। हालांकि और भी गाड़ियों पर जाता होगा जिनकी लेंथ वगैरह का इसमें हिसाब होता है, तो जो फॉर्च्यूनर जितनी लेंथ की गाड़ियां होंगी उनका और उनमें भी इतना ही टैक्स होगा, बट भाई इतना टैक्स नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई वो मैंने डाला और भाई वो वायरल हो गई, तेरा भी फोन आया था कि भाई ये क्या डाल दिया तूने, मैंने कहा भाई बस मैंने ऐसे देखा और मैंने डाल दिया। तो भाई वो भी हो गया था। बट मेरा यही है भाई कि आपको नहीं पता, मैं यही बोलूंगा कि भाई आप डालो, आपको नहीं पता कि आपका कंटेंट कितना चल जाएगा, आपको भाई अंदाजा नहीं है उस चीज का। बिल्कुल। तो आप अपनी YouTube की, अगर पर्सनल क्वेश्चन अलाउड है तो हाँ बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आज भाई आज सब सब राज खोल अच्छा, देंगे। YouTube से जब मोनेटाइज हुआ तो पहली कितने मतलब आए? फर्स्ट मतलब इनकम की बात कर रहे हो हाँ। आप भाई? देखो ये क्वेश्चन ना बहुत लोग पूछते हैं, जो भी मेरे से मिलेगा भाई यूट्यूब की इनकम पूछेगा। ठीक है भाई, ये डिपेंड करती है आपकी वीडियो पे एड कितने लग रहे हैं, ठीक है, अच्छा। एड कौन से लग रहे हैं और कितने लगे उस वीडियो के दौरान। तो कोई भी ना इनकम फिक्स नहीं होती किसी भी यूट्यूबर की, आप किससे भी पूछ लेना भाई, किसी भी फिक्स नहीं होती है। लेकिन इस टाइम पर भाई अगर मैं बात करूँ तो भाई मेरी बहुत ही कम इनकम जा चुकी है, क्योंकि चैनल की रीच अभी डाउन है। तो जैसी रीच डाउन भाई तो इनकम भी डाउन। तो इनकम का मैं अभी कुछ देखता नहीं हूँ कि भाई जितनी आ रही है कोई नहीं, अपना बनाते रहो, मेरा ये मानना है। क्योंकि भाई अभी जॉब कर रहा हूँ तो जॉब से मैं यूट्यूब पे अभी डिपेंड नहीं हूँ कि भाई पैसा मेरे को यूट्यूब दे। तो इसलिए मैंने वो चीज़ बोली थी कि भाई आप डिपेंड मत हो, बिल्कुल। क्योंकि पैसे नहीं आएंगे तो आप भाई डिमोटिवेट होंगे, सही सिंपल सी बात है। बात। अच्छा पहली इनकम भाई मेरे वही आए थे भाई, $110 आए थे, वो मेरे सितंबर में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, जनवरी में मेरे को मिल गए थे। मतलब सितंबर में मोनेटाइज हुआ, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 3 महीने की पेमेंट जनवरी में मिली मेरे को। तो भाई $120 मेरे को मिले थे, जो कि मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, मैंने कहा देखो मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं। तो हालांकि उसको मैंने घर पे दिया नहीं, मेरी गलती थी, मेरे को अपनी मम्मी को देना चाहिए था भाई। मैं ना उनसे इक्विपमेंट वगैरह ले आया, मैं कुछ चीज़ें थी अपनी वो मैं जो मुझे यूट्यूब के लिए चाहिए थी मैं वो खरीद के ले आया था। तो हालांकि घर वाले बोलते हैं भाई तूने जो भी कमा रहा है यूट्यूब यूट्यूब हमें तो तू देता नहीं। तो इतनी है नहीं भाई यूट्यूब से ना इनकम कुछ खास हाँ। अभी, अगर आप इनिशियल स्टेज पर देखो। बट जरूरी नहीं है कि भाई अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो आप ज्यादा पैसे कमा लोगे भाई, डिपेंड। अगर तुम्हारे 50,000 सब्सक्राइबर है तो आप 2 लाख के बराबर भी कमा सकते हो, डिपेंड है तुम्हारी वीडियो पे रीच कितनी है। सही बात क्योंकि है। आपने देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं 3 लाख 4 लाख वाले, उनकी वीडियोस पे रीच कम रहती है तो वो इतनी इनकम थोड़ी हो पाती है भाई, उनकी स्पॉन्सरशिप वगैरह भी इतने खास नहीं मिलते, सब रीच पर डिपेंड करता है कि भाई रीच कितनी है आपकी। तो मतलब यहाँ एक पॉइंट काफी हाईलाइट करने वाला है कि सब्सक्राइबर ज्यादा ना भी हो हाँ बट वीडियो अच्छी होनी चाहिए, लोग हाँ देखने के लिए वीडियो पर होना अगर आपकी चाहिए। हाँ। एंगेजमेंट हर वीडियो पर अच्छी है ना, सब्सक्राइबर आपके 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, आप 50,000 सब्सक्राइबर्स आपके ऐसे हैं कि भाई वो आपसे जुड़े हुए हैं, आप कुछ भी डालोगे वो बंदे देखेंगे। अगर आपके पास ऐसी जनता है ना तो भाई आपके 50,000 आपके सब्सक्राइबर तो आपके 25,000 30,000 व्यूज हर वीडियो पर आ जाएंगे, और इतने आपके आ गए तो भाई आप 1 लाख बंदे 2 लाख बंदे के बराबर पे कमा लोगे। तो जरूरी नहीं है कि अच्छा। भाई सब्सक्राइबर ज्यादा हो तो जब भी इनकम ज्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं है, रीच पर डिपेंड करता है भाई रीच कितनी है आपकी। अच्छा,
सपोज करो मैंने चैनल बना लिया, मैं जो भी रस्ते में बंदा आ रहा भाई सब्सक्राइब कर दो ये कर दो वो कर दो, वो कर देगा बट वो वीडियो थोड़ी देखेगा। सही बात है, तो भाई मेरा ही मानना है कि भाई ऑर्गेनिक चीजें आनी चाहिए ना, सही बात तो है। आप किसी थर्ड पार्टी किसी चक्कर में मत पड़ो कि भाई वो सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। भाई नंबर्स का गेम मत खेलो, आप रीच का गेम खेलो कि भाई वीडियो पे रीच कितनी आ रही है, पर वीडियो पे कितने व्यूज आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी रेवेन्यू जनरेट होगा और उसी के हिसाब से आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। ऐसा होता है सोसाइटी में, बहुत से ऐसे लोग हैं पुराने मेंटेलिटी के, मैं कह सकता हूँ, वो हम जैसे क्रिएटर्स को देख के, अब मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा, समझ जाओ, लोग बोलते हैं कि क्या ही कर रहा है, इससे अच्छा कहीं अच्छी जॉब कर ले, उन लोगों के लिए 4-5 शब्द। भाई देखो ऐसे लोग ना सबको ही मिलते हैं, ठीक है, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ यार दोस्त होते हैं, ठीक है, कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा है वो आज के ज़माने का तो उसकी सोच पुरानी नहीं हो सकती। भाई डिपेंड करता है तुम मतलब किस माहौल में रह रहे हो। तो बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, शब्द में भाई कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप भी कुछ मत बोलो, आप बस करके दिखाओ कि भाई जब हम करेंगे ना, जब हमारे पास फॉर्चुनर आ जाएगी, हमारे पास कोई बड़ी गाड़ी आ जाएगी, उस दिन बात करेंगे कि भाई हमने ये उखाड़ा है। भाई बड़ी बात नहीं बोलता, क्रिएटर्स जो यूट्यूबर्स और ये सब क्रिएटर्स जो भी होते हैं ना भाई, अब बंदा जॉब से नहीं कमा पाएगा जितने आप वीडियोस बना के कमा लोगे, बट डिपेंड करता है सॉरी डिपेंड करता है कि भाई आपकी रीच कितनी है, बस वही कुल मिला के, मतलब आप पे एंगेजमेंट कितनी है। तो जॉब से भी इतना बंदा नहीं कमा पाएगा जितना यूट्यूब से कमा लेगा। तो आपको क्या लगता है कि यार हाँ, मेरे तो इतने कांटेक्ट्स बन गए विद इन इतने टाइम स्पैन में, या 4-5 महीनों में मेरे इतने कांटेक्ट बन गए? तो कॉन्टेक्ट्स भाई बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप दूसरे पे डिपेंड हो। इन माय केस अगर आप मेरे जैसा कंटेंट बनाना चाहते हो, भाई ओनरशिप रिव्यू मेरा वही चलता है सबसे ज़्यादा, ओनरशिप रिव्यू अगर आप वो बनाना चाहते हो तो कंटेंट बनते हैं वो, उन बंदों के पास मेरी वीडियोस रहती हैं, मतलब वो वीडियोस जाती हैं, वो दूसरे को दिखाते हैं, वो बोलता भाई भाई मेरा भी एक इंटरव्यू करा दो। होता है, 2-3 बार मेरे साथ हुआ है। तो भाई मैं सबसे बना के रखता हूँ, मैं किसी से बिगाड़ते नहीं, क्योंकि भाई ऐसे ही बंदे मेरे को मिले हैं कि मैं वीडियो बनाने गया हूँ और फालतू की बात करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ऐसे बोलो ये बोलो, वो मतलब दूसरे को काम करना सिखाते हैं, ठीक है। तो वही वाला डायलॉग है भाई कि वो किसान को खोदना मत सिखाओ, भाई वही वही आप समझ रहे हो, हमारे हमारे मेरठ वाला डायलॉग है भाई कि किसान को भाई खोदना मत सिखाओ, वो उसे पता है कि वो कैसे कर रहा है, ठीक है। तो बाकी मैं सुन लेता हूँ भाई उनकी, क्योंकि भाई मेरे को मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी रीजन से मेरी वीडियो ना बने। तो बिल्कुल भाई मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन बंदों की, मैं मुंह पे कुछ नहीं बोलता, मैं अपने मन में बोल लेता हूँ, अपने मन में भड़ास निकाल लेता हूँ, मुंह पे नहीं बोलता। तो ऐसे 2-3 बार मेरे साथ हुआ है, फोन कभी मेरे मजाक उड़ा है कि भाई ये क्या है, MI का फोन लेके घूम रहा है। अच्छा, हाँ तो हुआ है भाई, एक बड़ी अब नहीं गाड़ी कहते की, होंगे। अब भाई अब आईफोन है क्यों अच्छा, कहेगा ये जो आईफोन और आपने जो कार ली है अपनी यूट्यूब के, उससे ही? भाई मतलब यूट्यूब से देखो थोड़े बहुत बोल सकते हो आप, हाँ, लेकिन इतना नहीं हुआ ना यार। अच्छा, ऐसे जैसे मैंने इसमें अभी टायर लगवाए, एक हाँ, स्क्रीन लगवा ली, तो ये यूट्यूब के पैसों से था। अच्छा बाकी मैंने बीच में मैंने HR में भी जॉब की है 6-7 महीने, तो अच्छा उससे मेरे पैसे आए थोड़े बहुत, वो थोड़े बहुत घर से लिए मैंने, हाँ ठीक है। तो भाई ली मतलब ऐसे लिए गाड़ी, अभी बीच में से खर्चा आ जाता है कुछ, जैसे अभी मेरे टायर खराब हो गए गाड़ी की, पुरानी गाड़ी भाई दिक्कत आ जाती है, तो मेरे पास यूट्यूब की वो आई पेमेंट। मैं मतलब मैं लगवाने गया था, मैं लगवाने का सेकेंड हैंड टायर, मैंने देखा भाई मैसेज क्रेडिट हो गया है, हाँ एडसेंस से पैसे आ गए हैं, मैंने भाई हाँ मैंने कहा नए लगा दो भाई, मैंने तुरंत नए लगवा लिए। तो हाँ ये है भाई, हेल्प तो कर देता है, लेकिन अच्छा अगर आप बात करो तो भाई वो पेमेंट आने में बहुत टाइम लगता है, 2 महीना 3 महीना 4-4 महीने भी लग जाते हैं सोल्डर और होने में। तो आप अच्छा हिसाब से भाई इनकम मेरी लगा सकते हो। तो अच्छा यूट्यूब मैं बता रहा हूँ, मैं इनकम के लिए नहीं कर रहा भाई, यूट्यूब में अभी के लिए इनकम के लिए नहीं कर रहा, आने वाले टाइम में भाई बोलते हैं ना भाई एवरीबॉडी नीड्स मनी, तो भाई सही सब बात पैसे के बिना जीवन नहीं है। तो आने है। वाले टाइम में भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ ज्यादा पैसे की। फिलहाल बिल्कुल। जैसे बोलते हैं ना, जब आप लर्निंग फेज में हो अपने, तो भाई पैसों की मत सोचो, काम की सोचो, भाई काम सीख रहा हूँ ना तो भाई मेरा है कुछ, मैं वर्थ कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं वो चीज़ बड़ी करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल भाई मेरा यही माइंड सेट है कि पैसों के लिए अभी मत जाओ। अभी घर पे हमारी आंटी जी बोलती नहीं है कि शादी वादी कर लो, कुना बड़े बोलती हो गए, हैं भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलती हैं, हाँ हाँ बोलती हैं, बट अभी मैंने बोला कि भाई कम से कम मतलब महीने के, जब तक बोलते हैं ना भाई मिडिल क्लास फैमिली, भाई मैं बहुत, अभी मैं ज्यादा बोलने नहीं, मैं बहुत, मेरे अगर आप देखोगे मैं बहुत गरीब घर से था, अब तो थोड़े बहुत हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन अभी भी मैं मिडिल क्लास में ही आता हूँ, पहले मैं लोअर मिडिल क्लास में था। तो मतलब मैं ये बोलता हूँ कि भाई जब तक महीने के 50-60 हज़ार रुपये मैं कमा नहीं रहा ना, तो दूसरे इंसान को मैं घर पे ला के कैसे कर सकता हूँ मैं। सही बात है। तो इतनी भी इनकम जब मेरी हो जाएगी उस दिन भाई कर तो लूंगा। है कोई निगाह में ऐसी नहीं कोई? भाई नहीं भाई, जो जो भाई घर वाले बोलेंगे, जो मेरी मम्मी बोलेंगी भाई उससे उससे करूंगा, ऐसा अभी तक कुछ कोई प्यार में पड़ा नहीं, या आप किसी के प्यार में नहीं पड़े?
भाई वो ये सब चीजें तो हो ही जाती है लाइफ में यार। तो ये भाई मैं ये बोलूंगा कि ये सब चीजें ना मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो ये सब सिर्फ चीजों से आप अलग निकलो भाई। जिस दिन पैसा कमाओगे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आपकी जिससे आप प्यार करते हो वो तो छोड़ो, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है भाई आपके पास आ जाएगी जिस दिन पैसा आ जाएगा। तो भाई पैसा कमाओ, पॉइंट पैसा कमाओ बस लाइफ में, और कुछ मत करो, पैसा कमाओ। पैसा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जिंदगी में ये सीखा है भाई, कल को आपकी हेल्थ खराब हो जाती, भगवान ना करे, भाई पैसा बचाएगा, सही बात है. ठीक है। हाँ भगवान भाई, कर्म के अनुसार आपको चीजें मिलती हैं, बट अगर आपके कर्म अच्छे हैं तभी तो पैसा कमाओगे। सही बात है, मतलब हर चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है. तो किसी किसी केस में ऐसा होता है कि पैसा हो जाता है तो इंसान बच जाता है। तो भाई पैसा मतलब मनी इज इम्पोर्टेंट, तो भाई अगर पैसा है ना तो लड़की भी क्या भाई, कुछ ही नहीं है भाई फिर तो। ये सब चीजें भाई बहुत अलग है, तो यही भाई मेरा मतलब सीन रहे हैं। बट मैं ऐसा अभी भाई कुछ नहीं है, मतलब अभी सिर्फ ध्यान है भाई अपने करियर पे, अपने यूट्यूब पर, बस फिलहाल यही ध्यान है और कुछ नहीं भाई। ऐसा कोई फेज बताओ यार कि यार ये इस फेज को कैसे पार करूंगा. मतलब कि चैलेंजेस पूछ रहे हो आप चैलेंजेस आपके YouTube वाले पार्ट में कौन से चैलेंजेस रहे, लाइफ के नहीं, YouTube वाले फेज के भाई। चैलेंज चैलेंजेस. सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा कि भाई मेरा मन नहीं था कि मैं जॉब करूं, मेरा मन था मैं बिजनेस करूं या फिर यूट्यूब पर ही भाई ध्यान रखूं। अभी भी मेरा मन नहीं करता, ठीक है, बट मैं करता हूँ भाई, क्योंकि जिम्मेदारी जब पड़ती है तो इंसान करता है। और भाई जो बोलते हैं ना कि भाई जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, सही बात है. आपका काम यह है कि भाई आप ना जो आपने सोचा वो चीज करो। तो भाई सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरा यही है कि मैं कैसे करके अच्छी इनकम कर लूं, और भाई मैं जो चीज कर रहा हूँ उन चीजों से क्विट करूँ। हालांकि जॉब भाई मैं कह रहा हूँ, जॉब में बंदे बहुत कुछ कर लेते हैं, डेवलपमेंट लाइन में भाई बहुत पैसा है। मैं एज ए एंड्रॉइड डेवलपर अभी वर्क कर रहा हूँ, अभी तो मेरी सैलरी कुछ नहीं है, बंदे भाई बहुत तगड़ तगड़ पैकेज पे बैठे हुए हैं। मेरे साथ का भी एक दो दोस्त है, अच्छे पैकेज ले रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मजे ले रहे हैं, बढ़िया बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो मेरा भाई मतलब ये है कि मैं ना कमाऊँ तो जैसे बिजनेस हो या फिर यूट्यूब हो, तो इन चीजों से कमाऊँ। बाकी मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भाई मैं कैसे इन चीजों से मतलब बाहर निकलूँ, आप समझ सकते हो भाई। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, और एक चैलेंज वही था कि भाई मैं इंट्रोवर्ट से मतलब कैसे मतलब अपने आप को, एक बोलते हैं ना कि भाई इस कैमरा लेके कहीं भी बोलने वाला बंदा, वो कैसे बनाऊं। तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, किसी से भाई सोचो मत, अपने मन में कुछ मत सोचो भाई। सामने वाला बंदा एक बार मजाक लेगा, दो बार लेगा, तीन बार लेगा, कितनी लेकिन बार ले मेरे लेगा. साथ ऐसा भी हुआ, जो जिस बंदे ने मजाक ली ना, हाँ वो आज के टाइम में बोलता है कि भाई बढ़िया वीडियो बनाते हो, और तुम तो मतलब आपके में कॉन्फिडेंस आ गया बोलने का। तो भाई अपने आप चीजें हो जाती हैं, बस यही आप, माइलस्टोन है. हाँ आप मेहनत करते रहो, बस यही है भाई, यही कहना चाहूंगा। चलो भाई, काफी अच्छा लगा यार कुणाल आपसे बात करके. और ये हमारी जो जर्नी है यहीं पे नहीं खत्म होगी. जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपके पास आके बात करने के लिए टाइम निकालेंगे, दोबारा ठीक से है, कोई वीडियो बनाएंगे. तो तब तक के लिए विदा चाहते हैं आपसे. बिल्कुल चलो भाई बिल्कुल। और भाई थैंक यू सो मच भाई, और भाई बिल्कुल. आप सभी का भी थैंक यू सो मच भाई। मतलब इस लायक भी मैं हुआ कि भाई मैं अपने बारे में बता सकूं, किसी को मोटिवेट कर सकूं। तो मैं यही बोलूंगा भाई, जो भी बंदा भी स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, कर रहा है भाई, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, तुम सबसे बढ़िया काम कर रहे हो अपनी लाइफ का। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप अपना घर पाल रहे हो ना, तो भाई किसी की मत सुनो, बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई। जब दूसरा आदमी जब ही बोलना बंद हो जाएगा, जिस दिन आप घर के नीचे लगे एक बढ़िया सी गाड़ी खड़ी कर दोगे ना, सामने बिल्कुल. वाले की बोलती उस दिन ही बंद हो जाएगी। और वो चीज़ करने के लिए भाई आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और भाई दिन रात अपना एक करो।